नमस्ते दोस्तों, ज्ञान 365 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक अपडेट आया है फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इन्होंने इनके क्लैरिकल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज किया है, तो इसी के बारे में देखेंगे। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए गुड न्यूज है। 5000 से भी ज्यादा वैकेंसीज है, तो अभी भी फ्रेंड्स आप अगर डेडिकेशन से स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली ये जॉब भी आपको मिल सकता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पूरी डिटेल्स देखने वाले हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, लेटेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की भी वेल्थ डिपार्टमेंट की कुछ वैकेंसीज निकली है, तो उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। उसकी जो वीडियो लिंक है फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, या ऊपर जो आई लिंक है वहां पे भी क्लिक करके आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट डेट्स हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट, ये डेट है 27 अप्रैल 2021, एंड जो लास्ट डेट है 17 मई 2021 है। तो ये डेट्स के बिटवीन आप इसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। देन आपको फ्रेंड्स इसका प्रिंटआउट्स वगैरह निकलना है, तो वो डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 जून 2021 है। देन इसकी जो फर्स्ट एग्जाम मतलब प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाली है, उसका जो ड्यूरेशन है जून 2021 में आपकी एग्जाम होने वाली है। देन जैसे आप प्री एग्जाम्स पास होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन्स एग्जाम भी आपकी होने वाली है, तो वो डेट है 31 जुलाई 2021 है। देन यहाँ पे आप पे स्केल भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, 17,900 से लेके 47,920, तो आपका यहाँ पे SBI में ये पेमेंट्स रहेगा। बेसिक पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 19,900 है। देन अगर आप यहाँ पे मेट्रो सिटी में जॉब करते हैं फ्रेंड, जैसे कि मुंबई वगैरह, तो वहां पे भी आपको अलग से ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसकी जो फ्रेंड पूरी डिटेल्स है आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी, ये नोटिफिकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहां पे भी क्लिक करके आपके अकॉर्डिंग पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। देन अभी हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा है, कैंडिडेट शुड पजेस ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अगर आपका किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हुआ है फ्रेंड्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इसमें जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट क्लास ही मार्क्स होना चाहिए, अगर आप 35% से भी पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे दिया है एज ऑन 1 अप्रैल 2021 तक। मिनिमम एज लिमिट है 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एडवर्टाइज में दिया है, जैसे कि SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है। देन अदर कैटेगरी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन इसके लिए जो एप्लीकेशन फी है वो हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है जनरल ओबीसी EWS कैटेगरी के लिए 750 एप्लीकेशन फीस है। इसके अलावा जो बैंक के चार्जेस है वो भी आपको पे करना है। देन जो अदर कैटेगरी है जैसे कि SC ST PWD, उनको यहाँ पे किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन फी नहीं है, मतलब आप ये फ्री में फॉर्म भर सकते हैं, और ये पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। और अभी हम फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे वैकेंसी डिटेल्स। यहाँ पे सर्कल या सिटी वाइज वैकेंसीज दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अहमदाबाद के लिए टोटल 902 वैकेंसीज है। देन साइड में यहाँ पे बैकलॉग भी लिखा है 40 वैकेंसीज। बैंगलोर के लिए टोटल 400 वैकेंसीज है, बैकलॉग यहाँ पे 26 दिया है। देन भोपाल के लिए 198, हैदराबाद के लिए 275। तो ये आप फ्रेंड्स आपके स्टेट या सर्कल के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। देन महाराष्ट्र मुंबई के लिए यहाँ पे ज्यादा वैकेंसीज है, 640 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए भी चंडीगढ़ और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनके लिए यहाँ पे 55 और 30 वैकेंसीज है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। देन यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर। यहाँ पे लिखा है द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, प्रिलिमिनरी एंड मेन्स एग्जाम्स के लिए आपकी ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे लिखा है टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, जो भी स्टेट से आप अप्लाई करते हैं तो वो स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आना जरूरी है। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई करते हैं तो मराठी लैंग्वेज आपको रीडिंग, राइटिंग या स्पीकिंग भी आना जरूरी है। अगर आप कर्नाटका से अप्लाई करते हो तो कर्नाटक की जो कन्नड़ लैंग्वेज है वो आपको रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग आना जरूरी है, तो इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसी के साथ जो प्री एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 3 टेस्ट है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इंग्लिश के लिए यहाँ पे 30 मार्क्स है, टाइम ड्यूरेशन 20 है। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग के लिए यहाँ पे 35 क्वेश्चंस एंड 35 मार्क्स है। इसका भी टोटल 20-20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। टोटल 1 घंटे की आपकी प्री एग्जाम्स होने वाली है। जैसे फ्रेंड्स आप प्री एग्जाम्स पास होते हैं, आपके यहाँ पे मेन्स एग्जाम होने वाली है, तो उसका भी आप यहाँ पे सिलेबस है, जो टेस्ट है वो चेक कर सकते हैं। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए टोटल 50 मार्क्स है, ड्यूरेशन है 35 मिनट्स। इंग्लिश के लिए 40 मार्क्स है एंड 40 क्वेश्चंस है, ड्यूरेशन है इसका 35 मिनट्स। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके लिए 50 मार्क्स है, ड्यूरेशन है 45 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए टोटल 60 मार्क्स है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहेंगे 50 एंड इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है 45 मिनट्स है। तो टोटल आपको यहाँ पे 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स टाइम मिलेगा।
तो यही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। अगर आपको यहाँ पे और डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे कास्ट वाइज वैकेंसी चेक करना है तो वो भी देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए दिया है, टोटल आप यहाँ पे वैकेंसीज भी चेक कर सकते हैं। आपके स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौन से स्टेट की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के लिए मराठी लैंग्वेज है, देन यहाँ पे तमिलनाडु के लिए तमिल लैंग्वेज है। इसी के साथ आपके अकॉर्डिंग कोई अदर इन्फॉर्मेशन आपको देखना है तो वो भी पूरी डिटेल्स आप ये नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं ये वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। इसके रिलेटेड कुछ आपके डाउट्स या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और आप ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन या इम्पोर्टेंट अदर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।